हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग टू ऑल। नाउ वी आर स्टार्टिंग रीडिंग सेक्शन फ्रॉम हियर। एंड व्हेन वी ब्रे आवर फेस इन आवर हैंड एंड विश वी हैड नेवर बीन बॉर्न, दे डोंट अपवेयर स्ट्रेट एंड ऑब्जर्व दैट वी हैव ब्रॉट इट ऑल अपॉन आवर सेल्फ। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है राइटर यहाँ पे, एंड व्हेन वी बरी आवर फेस, जब अपने हम चेहरे को दबा लेते हैं, बरी मैंने दबाना होता है, आवर फेस, जब अपने चेहरे को हम दबा लेते हैं अपने हाथों से और ये विश करते हैं कि वी हैड नेवर बीन बॉर्न, कि हमें कि मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ होता, तो दे डोंट सिट, तो वो ऐसे नहीं बैठते, वो दे डोंट सिट अप वेरी स्ट्रेट, तो वे सीधे नहीं बैठते। एंड ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करते हैं कि दैट कि वी हैव ब्रॉट इट ऑल अपॉन, कि ये सब जो है वी हैव ब्रॉट इट ऑल अपॉन, कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ आया है, वो ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर ही दुख आया है। तो ये सिचुएशन हमारी कब होती है, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम अपना चेहरा ढक लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम शायद कि मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। ऐसा कब सोचते, जब हम दुखी होते हैं, तो तब दुखी होते हैं तो जानवर ऐसे नहीं बैठते, वो जो पेट हमने पाल रखे हैं तो ऐसे नहीं बैठेंगे, तो ये सोचेंगे कि वी हैव ब्रॉट इट ऑल अपॉन आवर सेल्फ, कि ये सब जो है हमारे ऊपर ही हुआ है। तो दे डोंट इवन होप इट विल बी वार्निंग टू अस, तो ये कभी आशा नहीं करेंगे, कि ये कभी होप नहीं करते कि इट विल बी अ वार्निंग टू अस, कि हमारे लिए ये वार्निंग होगी। तो बट दे कम अप सॉफ्टली, वो क्या करेंगे सॉफ्टली मैंने आराम से, वो बड़े प्यार से हमारे पास आएंगे। सो होता है जैसे पुश करना, देयर हेड, अपने हेड को वो पुश करेंगे आगे, अगेंस्ट अस, तो हमारे साथ जो है वो अपने चेहरे को, अपने हेड को हमारे साथ लगाएंगे, हमारे बॉडी से लगाएंगे। एंड इफ़ इट इज़ अ कैट, अगर ये कैट है, अगर आपके पास कैट है, तो सी स्टैंड ऑन योर शोल्डर, तो आपके कंधों पर बैठ जाएगी। रंपल योर हेयर, रंपल मैंने मोड़ना, आपके जो बाल हैं उनको मोड़ेगी, तोड़ेगी। एंड सेज और कहते कि आई एम सॉरी फॉर यू, कि मुझे बड़ा दुख है, आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे बड़ा दुख है ओल्ड मैन, तो कहेगी ओल्ड मैन मुझे बड़ा दुख है। एज प्लेन एज वर्ड कैन स्पीक, जितना प्लेन हो सकती है वो अपने वर्ड्स को बोल सकती है। तो एंड इफ इट इज़ अ डॉग, अगर वो डॉग होगा तो ही लुक अप एट यू, वो तुम्हारी तरफ देखेगा विथ बिग ट्रू आइज, अपनी बड़ी सी सच्ची आंखों से आपकी तरफ देखेगा। एंड से और कहता है विद देम, और उसमें कहेगा कि वेल ठीक है, यू हैव ऑलवेज गॉट मी, कि आपने हमेशा मुझे गॉट के मतलब काफ़ी मेरी हेल्प की है, मीन टू से यहाँ पे कहने का, यू नो, तुम जैसा कि तुम जानते हो आपने हमेशा मुझे अपना समझा है, तो वी विल गो थ्रू द वर्ल्ड टूगेदर, अब हम संसार में इकट्ठे चलेंगे। एंड ऑलवेज स्टैंड बाय ईच अदर, और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, वॉन्ट वी, क्या हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसे बोलेगा वो डॉग, इसका मतलब क्या है, वो अपनापन दिखाएगा। तो अब आगे देखिए, आगे क्या है इसमें, अब आगे है आ डॉग और अ कैट कैन नेवर मेक इट बिजनेस टू इंक्वायरी वेदर, तो अब यहाँ पे डॉग और कैट कभी भी अब इस बिजनेस में, इस कार्य में कभी पूछताछ नहीं करेंगे कि वेदर यू आर इन राइट और रॉन्ग, भी किसी भी बिजनेस में, किसी भी कार्य में वो इंक्वायर नहीं करेंगे कि आप गलत हो या सही हो। नेवर बोदर एज टू वेदर यू आर गोइंग अप डाउन योर लाइफ लैडर, कि जीवन की सीढ़ी पर आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, कभी ऐसी बोदर नहीं करेंगे, कभी ऐसी चिंता नहीं करेंगे आपके बारे में। नेवर आस्क वेदर यू आर रिच और पुअर, ना ही कभी से ये आपसे पूछें आप गरीब हो या आप अमीर हो, सिली हो, वाइज हो, सिनर हो, यानी पापी हो या फिर एक सेंट हो, आपको कभी नहीं पूछेंगे वो ऐसा। तो यू आर पॉल, पॉल मीन यहाँ पे फ्रेंड, तुम क्या कहेंगे, यू आर हिज फ्रेंड पॉल, तुम उसके फ्रेंड हो। दैट इज़ इनफ फॉर हिम, यही उसके लिए काफ़ी है। एंड कम लक, और उसके भाग्य जो आते हैं उसके, एंड कम लक और मिसफॉर्चून, यानी उसका भाग्य बनता है या मिसफॉर्चून दुर्भाग्य बनता है, गुड रेप्यूट है यानी उसका अच्छा नाम है या बैड बुरा नाम है, होनर उसका सम्मान है या उसकी बेइज्जती है सेम, तो ही इज़ गोइंग टू स्टिक यू, तो वो केवल आपके साथ स्टिक करेंगे, आपसे चिपकेंगे, आपके साथ रहेंगे। एंड कम्फर्ट यू, और आपको सांत्वना देंगे, कंफर्ट करेंगे, गार्ड यू, आपकी रक्षा करेंगे। एंड गिव हिज लाइफ फॉर यू इफ नीड बी, यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही है, और अगर जरूरत पड़ी ना तो अपने लाइफ को भी
वो आपके ऊपर लगा देंगे, यानी अपने लाइफ को भी आपके ऊपर न्यौछावर कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो बच्चों ये चैप्टर अब समाप्त होता है, तो इसमें कितनी बढ़िया बात कही गई है कि जो एनिमल्स हैं दे आर फार बेटर देन द ह्यूमन बींग, दे आर ट्रू कंपेनियन, दे हैव द सेम फीलिंग लाइक द ह्यूमन बींग। आदमी धोखा दे सकता है, एनिमल कभी धोखा नहीं देंगे। सो दिस इज बेस्ट चैप्टर एंड अ लेसनफुल चैप्टर फॉर हर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।